हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड द प्लांट्स। मैं आपको कोडोवा बुक से पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो प्ले लिस्ट में, वो आप जाकर देख सकते हो। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट। अब हमने एनिमल्स की बात कर ली, ह्यूमंस की बात कर ली कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर वन दैट द ग्रीन लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू प्रिपेयर सिंथेसाइज फूड यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में, उसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड की प्रिपरेशन होती है। सो वी हैव ऑल्सो लर्नड चैप्टर 10 दैट एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। और चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ लिया है कि चलो लीफ ने तो खाना बना लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं या सेल्स हैं उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस लाइफ प्रोसेसेस। सो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो फूड है वो सोर्स है एनर्जी का। सो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड और ग्लूकोज। और लेकिन जो हर एक सेल है उन सबको एनर्जी चाहिए बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। सो प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बन तो रहा है लीफ में फूड और चाहिए सारे की सारी सेल्स को, जैसे रूट को भी चाहिए, है ना, फ्लावर को भी चाहिए। इसी तरीके से जो रूट है उसको पानी मिल रहा है, लेकिन चाहिए तो सारे बॉडी पार्ट्स को, और लीफ को भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। सो टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट अप टू द लीव्स। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वो हो गया जो रूट से वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक ले जाता है लीव्स तक। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि लीव से सारे पार्ट्स तक ले जाता है प्लांट के विच कैन नॉट मेक फूड, जो कि फूड नहीं बना सकते। सो दो तरीके के हो गए, जो रूट से लेके जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और एक हो गए जो लीव से फूड को दूसरी जगह लेके जाते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम। और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में उसको बोलते हैं हम वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, जिसमें लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कि कंडक्टिंग सिस्टम बनाती हैं, वेसल्स बनाती हैं, कॉल्ड द जाइलम एंड द फ्लोएम, जो वाटर को लेके जाता है, मिनरल को लेके जाता है फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स कॉल्ड द जाइलम, और जो फूड को लेके जाता है दैट इज अ फ्लोएम। एफ फॉर फूड, पीएच इज ऑल्सो फॉर सो फ्लोएम, ठीक है। द जाइलम एंड द फ्लोएम वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब ये जो सारे जाइलम और फ्लोएम है, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। लेट अस स्टडी द वस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट्स इन डिटेल। अब बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल बाय रूट हेयर। अब जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का और मिनरल का, उसको कौन करता है? जो मेन रूट होती है उसमें छोटे छोटे थिन हेयर होते हैं, जिसको रूट हेयर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। हर एक रूट पे क्या होती है? रूट हेयर होते हैं। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड द मिनरल्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और यही जो रूट हेयर होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें वाटर जो और मिनरल प्रेजेंट होता है उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। द वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर। एक वाटर हो गया और वाटर में ही डिजॉल्व क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट के हेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ द फाइन रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल वाटर, ड्यू टू विच मोर वाटर एंड मिनरल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एट द रैपिड रेट। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये एक मेन रूट है, इस पे इतने रूट हेयर हैं, तो ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही करेंगे ना, जितने रूट हेयर है उतनी कैपेसिटी है। अगर ये लार्ज नंबर के हो जाए, इतने सारे हो जाए, तो ये क्या करेंगे? उतना ही ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे ज़्यादा रेट से, मतलब एक फिक्स टाइम पे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो वही चीज़ दे रखी है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, सॉरी, द लार्ज नंबर ऑफ द फाइन रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। तो अगर ज़्यादा रूट हेयर होते हैं तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है,
due to which more water and mineral can be absorbed by the root at the rapid rate. ज़्यादा quantity में कम time में हम water को absorb कर पाते हैं, ठीक है. So water and the mineral absorbed by the root hair from the soil move from cell to cell in the root by the process of osmosis. This that is very important. कि अब root का root ने इस रूट ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया. अब मैं इसको जूम करती हूँ, अगर तो अगर ये रूट हेयर है ना, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ तक वाटर पहुँच गया, अब नेक्स्ट सेल में पहुँच गया, इससे नेक्स्ट सेल में पहुँचा, इसके नेक्स्ट सेल, ऐसे करते 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 सेल टू सेल पहुँच जाता है. और वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुँचता है? ऑस्मोसिस के थ्रू. एक चीज़ पढ़ी थी आपने डिफ्यूजन, अब एक चीज़ पढ़ी है आपने ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में क्या होता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो भी चीज़ है वो फ्लो करती है. बट ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाई और लो चीज़ तो होती ही है, बट बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वो मेम्ब्रेन जो कि सबको आना अलाउ नहीं करती, सबको इधर उधर आना अलाउ नहीं करती, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है. और वो मेम्ब्रेन में भी हाई टू लो फ्लो होता है. अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर पानी पहुँच गया तो वाटर कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, इस सेल में कम है, तो ऑस्मोसिस क्या होगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन टू कम कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. तो जो रूट में है, जो जा रहा है वाटर सेल टू सेल, इज डन बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस एंड अल्टीमेटली एंटर द जाइलम वेसल विच आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट. अब सेल टू सेल जाकर जाइलम वेसल में चला जाता है जो रूट की सेंटर में प्रेजेंट होती है. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस. अब ये है, ये जैसे सॉयल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वाटर प्रेजेंट है, ये रूट हेयर है, यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ सेल टू सेल, ये मूव कर रहा है वाटर, और सेंटर में जहाँ पे जाइलम है वहाँ तक ये चला जाता है. फिर जाइलम में वेसल्स होती हैं, वो सब जगह सप्लाई कर देता है, ठीक है. सो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स का पास होना अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन दैट अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयन टू पास थ्रू इट बाय द डिफ्यूजन. सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स और आयन्स को ही अलाउ करता है पास करना बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन तो हाई टू लो कंसेंट्रेशन है. फ्रॉम अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज हायर टू द रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लोअर इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको जरूर लर्न करनी है और एज इट इज लर्न करनी है, ओके. The vascular tissue for the transport of water and the mineral dissolved in the plant is called the xylem. अब हमने पढ़ लिया था कि जो water और mineral को transport करता है plant में, उसको क्या बोल देते हैं? Vascular tissue को xylem बोलते हैं. Second, अब water आ गया, ascent of sap. अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है. The xylem forms a continuous network of the channel that connects root to the leaves. अब अंदर क्या है? एक channel बना हुआ है tubes का जाइलम के अंदर, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है रूट को लीव्स तक, क्योंकि पानी तो चाहिए, मिनरल भी चाहिए सबको. थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस. अब वो चीज़ जाइलम स्टेम और ब्रांचेस में भी जाती है एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल टू द एंटायर प्लांट. पूरे प्लांट को चला जाता है उस जाइलम के थ्रू. लेट अस स्टडी हाउ द वाटर राइजेज फ्रॉम द रूट अपवर्ड्स इन अ प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी. अब यह क्वेश्चन आता है, पानी तो यहाँ से मिला रूट से, इतने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, तो एंटी ग्रेविटी कैसे वो पानी ऊपर तक पहुंच जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो इन क्लास 7-6 वी हैव लर्न दैट द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ पे जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और उनके थ्रू वाटर जो है, एक्सेस जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, उड़ जाता है. प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. और रिमूवल ऑफ द वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन. अब रिमूव हो रहा है ऊपर से. सो द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल. अब ऊपर से कोई चीज़ खींची जा रही है तो नीचे से तो वो पुल होगी ना ऊपर की तरफ, तो ये क्या क्रिएट करता है? एक सक्शन पुल, ऊपर की तरफ खींचता है.
सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है ट्रांसपीरेशन, विच पुल्स द वॉटर फ्रॉम द रूट अपवर्ड्स टू द ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज. सो द सक्शन पुल प्रोड्यूस्ड इन द जाइलम वेसल बाय द ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज द सिमिलर टू द वन विच वी प्रोड्यूस वाइल ड्रिंकिंग मिल्क शेक फ्रॉम द ग्लास विद स्ट्रॉ. अब ये इसी तरीके का सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है जैसे स्ट्रॉ से हम मिल्क शेक पी रहे होते हैं. तो एक बार ही सब करते हैं, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉ है उसमें मिल्क होता है और ऊपर की तरफ हम खींचते रहते हैं, नीचे से आता रहता है. अनदर फंक्शन ऑफ द ट्रांसपीरेशन इज दैट इट कूल्स द प्लांट इन द हॉट वेदर. तो जब ये वाटर को इवेपोरेट करता है तो इस जो बॉडी है इसकी प्लांट की वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि ये हीट लॉस करता है इन द समर्स. तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है और दूसरा इससे जो हॉट वेदर में प्लांट जो है वो कूल हो जाता है. सो दिस हैपन ड्यू टू द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन. ठीक है, सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल इन अ प्लांट थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड द असेंट ऑफ सैप. तो मिनरल और वाटर का जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करना इज कॉल्ड द, इसको क्या बोल देते हैं, असेंट ऑफ सैप, कि जो सैप है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है. सो दिस शोज द ट्रांसपीरेशन प्रोड्यूस बाय द सक्शन पुल विच कॉजेज असेंट ऑफ सैप. दिस इज द रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. वाटर पासिस अप द ट्रंक, ऊपर की तरफ जाता है, एंड इवेपोरेशन इन टू द एटमोसफियर फ्रॉम द लीफ सरफेस. ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन विच अकर थ्रू द लीव्स. ट्रांसपीरेशन होता है या नहीं होता है उसकी एक एक्टिविटी है. सो थिंग्स नीडेड, अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट ले लिया, टू पॉलीथीन बैग्स एंड द वाटर. क्या करना है इसमें, मैथड क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वाटर इट, कवर द ब्रांच ऑफ द प्लांट विद अ पॉलीथीन बैग एंड मार्क ए. एक को हमने, एक ब्रांच को पॉलीथीन से पैक कर दिया, उसको ए मार्क कर दिया. रिमूव द लीव्स ऑफ द अदर ब्रांच, और दूसरी ब्रांच की लीव्स को रिमूव कर दिया, एंड कवर इट दिस लीफलेस ब्रांच विद द अनदर पॉलीथीन बैग. और जिसकी लीव्स निकाल दी उसको कवर कर दिया पॉलीथीन बैग्स पे, जिस पे बी लिख दिया. नाउ कीप द पॉटेड प्लांट इन अ सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. और फ्यू आवर्स के लिए इस पॉटेड प्लांट को हमने कहाँ रख दिया, सनलाइट में. क्या ऑब्जर्वेशन होगी, यू ऑब्जर्व टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलीथीन बैग ए. जो पॉलीथीन बैग ए था उसके इनर सरफेस पे वाटर की ड्रॉप्स दिखेंगी. नो वाटर ड्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलीथीन बी, बट पॉलीथीन बी पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेंगी. तो कंक्लूजन क्या निकला, द वाटर एवेपोरेट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स. जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो मेनली लीव्स से होता है, विच शो दैट द लीफ ऑफ द प्लांट गिव आउट वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. जो ये शो करता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है उसके थ्रू जो वाटर वेपोरेट होता है वो लीव्स के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे तो लीव्स है ही नहीं, बाकी तो सब कुछ चीज़ कॉमन है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो गई. सो अनदर एक्टिविटी टू शो दैट द जाइलम कंडक्ट वाटर इन द प्लांट्स. एक अदर एक्टिविटी है जो ये शो करती है कि जो जाइलम वेसल है वही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है. इसमें क्या थिंग्स नीडेड है, अ कॉनिकल फ्लास्क. राइट हैंड साइड पे देखोगे कि आपको फ्लास्क दिख रहा है कॉनिकल, राइट रेड डाई है, सेफ्रनिन और इओसिन की रेड डाई ले लेते हैं, अ स्मॉल प्लांट, अ ब्लेड एंड अ माइक्रोस्कोप. अब इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. इसमें क्या करना है, डिजॉल्व रेड कलर डाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क. एक फ्लास्क लिया और उसमें जो पानी में हमने रेड कलर डाई को डिजॉल्व कर लिया. पुट अ प्लांट विच हैज़ अ सॉफ्ट स्टेम इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग. एक सॉफ्ट प्लांट लिया और उसकी जो स्टेम है उसमें डिप कर दिया जिसमें रेड कलर वाटर था. लीव द सेटअप फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे के लिए सेटअप को छोड़ दिया. नाउ टेक आउट द प्लांट एंड कट अ थिन सेक्शन ऑफ इट्स स्टेम. इस प्लांट को निकाला और इसका छोटा सा सेक्शन ले लिया स्टेम का. ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप, और इस सेक्शन को देखा आपने कट करके लो पावर माइक्रोस्कोप से. तो ये इस तरीके का दिखा कि सेंटर में क्या था, रेड कलर के स्टेन थे जो कि जाइलम था. ऑब्जर्वेशन क्या था, द पोर्शन ऑफ द वस्कुलर टिश्यू विच कंटेन जाइलम इज स्टेन्ड रेड. जो पोर्शन था जाइलम का वो कैसा था, रेड स्टेन्ड था, क्योंकि जाइलम के थ्रू ही वाटर आता है और वाटर रेड था. अगर जाइलम रेड है इस मीन वाटर यहाँ से गया है. कंक्लूजन, जाइलम कंडक्ट द वाटर थ्रू द स्टेम. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो जाइलम है वही वाटर को कंडक्ट करता है थ्रू द स्टेम.
Okay, so here I am stopping this video. Guys, in next video I will start with the importance of the transpiration. Let's start our last topic from this chapter, that is the importance of the transpiration. Transpiration हमने क्या देखा था कि जो भी plants होते हैं उनके leaf में क्या होते हैं, छोटे छोटे से pores होते हैं जिनको stomata कहते हैं. तो जो root से water absorb होता है वो उन stomata के through क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, जो कि evaporate हो जाता है atmosphere में. तो उस process को क्या बोलते हैं, transpiration कहते हैं. तो importance क्या है transpiration की, number one, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स बाय जनरेटिंग अ सक्शन पुल. एक तो अगर ऊपर से कोई चीज़ पुल कर रही है तो नीचे से चीज़ ऊपर जाएगी ना, तो वाटर क्या होता है, कंटिन्यूस पाथ बना हुआ होता है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, नीचे से रूट में से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता रहता है. तो जिससे जो सक्शन पुल है वो बना रहता है और वाटर ऊपर की तरफ सप्लाई होता रहता है. सेकेंड क्या है इंपॉर्टेंस, ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम हीट ऑफ द सनलाइट. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, इवेपोरेशन से हीट लॉस होती है, हीट लॉस से जो प्लांट है उसमें कूलिंग इफेक्ट आता है, जिससे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो डेलिकेट सेल्स हैं उसको कोई हार्म नहीं पहुँचता, जिससे वो कूल होता रहता है ट्रांसपिरेशन की वजह से. थर्ड इज़ व्हेन देयर इज़ अ मोर ट्रांसपिरेशन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस. जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा ऊपर से जितना लॉस होगा नीचे से उतना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड लीव्स ने बनाया है वो किस तरीके से लीव से दूसरे पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के वहाँ तक ट्रांसलोकेट होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. द फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट. हमें पता है कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है फूड की, ग्रीन लीव्स में. द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द एवरी सेल्स ऑफ द प्लांट. अब वो लीव्स से कहाँ जाना चाहिए, सारे के सारे पार्ट्स में से प्लांट के. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसपोर्ट होना फूड का फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसी को क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन. द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेल्स ऑफ द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. अब जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके थ्रू हुआ, फ्लोएम से. एंड वाटर का हमने किसके थ्रू पढ़ा था, जाइलम से. फ्लोएम हैज द सेल कॉल्ड द सीव ट्यूब्स दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब्स थ्रू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड. अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से सीव ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम ऐसे सीव ट्यूब से मिलकर बना होता है, एक के ऊपर एक ट्यूब बनी होती है और इसमें से जो फूड है वो ट्रांसलोकेट होता रहता है. ठीक है, लाइक जाइलम फ्लोएम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ द चैनल विच कनेक्ट द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जैसे जाइलम का पूरा के पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है प्लांट में, इसी तरीके से फ्लोएम का भी पूरा का पूरा नेटवर्क होता है. ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को फूड को सप्लाई करता है. थ्रू फ्लोएम द प्रिपेयर्ड फूड पासिस फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, फ्रूट्स, सीड एंड द फ्लावर्स. अब फ्लोएम से जो अदर पार्ट्स है प्लांट के, इन सब्जी पार्ट्स को फूड जो है वो सप्लाई होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. सो टू शो दैट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, की फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, पहले मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो क्या लिया, एक पॉटेड प्लांट लिया और उसमें से क्या लिया, स्टेम को ब्लेड से काट लिया, इतना काटा कि वहाँ से फ्लोएम निकल जाए. ठीक है, फ्लोएम निकल दिया, उस जब फ्लोएम निकल जाता है तो स्टेम को ग्रिडल्ड स्टेम बोलते हैं. फिर उसको पूरा का पूरा सनलाइट में रख दिया, तो क्या देखा हमने थोड़े टाइम बाद कि नीचे जो ये जगह थी ऊपर जहाँ कट किया था वो तो स्वॉलन हो गई, फूल गई, और नीचे की जो थी वो ड्राई हो गई. फूल क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे तो फूड प्रिपरेशन हो रही है, फ्लोएम से नीचे भी आ रहा है, बट नी और फ्लोएम यहाँ से कट हो गया तो और नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, स्वॉलन हो गया, ये फूल गया. बट अब यहाँ पर इसको फूड नहीं मिल रहा, तो खाना ही नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, तो ये ड्राई हो गया. तो इससे क्या पता चलता है कि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो कि
लीव्स प्रिपेयर करते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, थिंग्स नीडेड अ पॉटेड प्लांट और रेजर ब्लेड मैथड। टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ थिक स्टेम, केयरफुली रिमूव द बार्क ऑफ द स्टेम विद द हेल्प ऑफ द रेजर ब्लेड। रेजर ब्लेड से हमने इसको बार्क को रिमूव कर दिया। दिस इज नोन एज अ ग्रिडलिंग ऑफ स्टेम। सो रिमूवल ऑफ द बार्क इज नोन एज अ ग्रिडलिंग ऑफ स्टेम। द ग्रिडलिंग ऑफ स्टेम रिमूव द फ्लोएम टिश्यू ऑफ द स्टेम। लीव द प्लांट इन अ सनलाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द ग्रिडल पार्ट केयरफुली। तो हमने थोड़े दिन बाद क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, द पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द ग्रिडल शो द स्वेलिंग while the lower portion dries up. Reason, the griddling of the stem removes the phloem tissue of the stem. जब griddling करी थी तो वहां से क्या remove हो गया था, phloem. As a result, the food prepared by the leaves could not translocated below the griddle part of the stem. तो जो food यहाँ बन रहा था वो नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। Therefore, the food gets collected above the griddle part, resulting in swollen stem. The portion below the griddle stem dries up due to the lack of food. All right. So conclusion क्या निकला, phloem transport the food prepared by the leaves to the different parts of the plant. ये जो phloem है वही जो leaves food बनाते हैं उसको transport करता है to the different parts of the plant. So here our chapter is also completed guys. If you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.